जनपद आगरा के थाना कागरौल क्षेत्र के गांव नगला हीरामन में शुक्रवार दोपहर को ग्रामीण महिलाओं ने गांव के समीप चल रहे देशी और अंग्रेजी शराब के ठेके पर तोड़फोड़ कर दी और देर शाम को तहरीर दी गई। इसके बाद लिखा गया मुकदमा। शनिवार को फिर सैकड़ों महिलाओं ने शराब के ठेके पर पहुंचकर सड़क को जाम कर दिया और हंगामा काटा। घटना पर पहुंचे कई आला अधिकारी महिलाएं उपजिला अधिकारी को बुलाने पर अड़ी रहीं। जिलाधिकारी अनुज नेहरा और एसीपी पूनम सिरोही के आने पर अपनी परेशानी बताकर बड़ी मुश्किल से मानी। शुक्रवार की सुबह लगभग 12:30 बजे थाना कागरौल क्षेत्र के गांव नगला हीरामन में लगभग 2 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी कागरौल मार्ग पर फूलवती देवी पत्नी राजेंद्र सिंह सोलंकी का अंग्रेजी शराब का ठेका और विश्वेंद्र पुत्र सोदान सिंह का देशी शराब का ठेका संचालित है। इन दोनों ठेकों पर पास ही के गाँव की सैकड़ों महिलाएं बच्चों के साथ लाठी डंडे लेकर पहुंची और हंगामा करने लगी। महिलाओं को शराब के ठेके की तरफ आता दे एक सेल्समैन शटर बंद कर भाग गए। सैकड़ों महिलाएं और बच्चों ने शटर उठाकर देशी और अंग्रेजी शराब की दर्जनों शराब की पेटियों को बाहर सड़क पर फेंक दिया, तो वहीं कुछ लोग शराब की पेटी और बोतलों को उठाकर नजर चुराकर भागते हुए वीडियो में नजर आए। तो वहीं घटना पर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। जब तक काफी तोड़फोड़ हो चुकी थी, काफी नुकसान हो चुका था। देर शाम दोनों दुकान संचालक की तहरीर के आधार पर 11 नामजद और 40 से 50 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। अनिल कुमार की आगरा से रिपोर्ट। क्या समस्या थी? हमें यही समस्या है, ठेके से समस्या है सभी। ये ठेका बंद होना चाहिए, यही प्रॉब्लम है हमारी सभी। हमारे सब रास्ता जाना भी बंद हो गया है, कोई खेतों में भी नहीं जाती लड़की भी। दारू पी के नशे में घूमते हैं, लड़कियों से भैयाओं से बदतमीजी से बोलते हैं, बदतमीजी करते हैं, छेड़छाड़ी करते हैं और घर पे पति पी के जाते हैं और औरतों को घर से निकालते हैं, खर्चे को पैसे नहीं देते हैं, घर पे बच्चों को सामान नहीं लेके देते हैं, अपने दारू के लिए पैसे हाल ही आते हैं और बच्चों बीवियों को मारपीट करते हैं, उनसे कुछ बोलते हैं तो बहुत बुरी तरह से मारते हैं। दारू से घर बर्बाद हो रहे हैं, खेत बिक रहे हैं, चीज वतरन सबने बेक बेक के आदमी दारू पी रहे हैं। इस जगह पे ठेका बंद होना चाहिए, बढ़िया चीज खुलवाओ जिससे भैया बच्चे बेरोजगार ना हो, काम करें, कुछ भी खुलवाओ। पर इतना आजूर की विनती है कि ये ठेका बंद होना चाहिए। ठेका खुलेगा तो फिर वही हंगामा रोज होगा, भैया आएंगी वही होगा, तोड़ फोड़ करेंगी ऐसी। ठेका बंद होना चाहिए, ठेका खुला है उस दिन से गांव बर्बाद हो गया, शादी भी नहीं हो रही है, गांव बर्बाद हो गया बिल्कुल। पढ़ाई का स्तर कैसा गाँव का? पढ़ाई में कुछ नहीं, बच्चे जो बाहर निकल गए वो तो पढ़ रहे हैं। इस गांव में कोई दौड़ने आ रहा है, दौड़ने तो करने बच्चों को भेजेंगे, दारू पी रहे हैं, दौड़ने आ रहे हैं, यहाँ तक दौड़ होती है तो वो भी दारू पी के जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे ढक्कन बोतलों में से दारू मिलती है 15-16 साल के बोतलों में से ढक्कन में खोल के वो भी चकई करके जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे वो भी पी के मिलती है। सुबह सुबह कभी भी आ जाओ यहाँ पे, जनता जुड़ी पाएगी, सब कीमत पाएंगे, पर ठेका 10 बजे खुलेगा, पर दारू दारू हो जाएगी, दारू यहाँ दबक के रख जाती है। सुबह कभी भी आ जाओ, 7 बजे 8 बजे जब भी दारू पीते मिलेंगे यहाँ पे आदमी। पढ़वे नहीं भेजेंगे, कहाँ पे नहीं भेजें, लड़की लड़की को पढ़ा नहीं रहे, सिर्फ यो कहते हैं कि दारू पिएंगे हम, उसे पढ़ाए कोई बच्चों को कुछ भी करो, पर ये ठेका नहीं चलेगा। यहाँ बेटी जा रही है, बदतमीजी से बात कर रहे हैं, बताओ कहाँ जाए, ठेका नहीं खुलेगा। ये भैया सब करे, चीज बेच दे, कुछ भी नहीं छोड़ा है, घर के खर्चे करने के दूध अन्य छोड़े रहे ना, गन्ने में अन्य छोड़े रहे ना, नाज अन्य छोड़े रहे, सब बेच रहे, रोटी कर रही है, पिटाई कर रहे हैं, बहु मर गई, 4 छोरियां पहले यही के भैया यहाँ तो ये हटना चाहिए। ठेका यहाँ उधार दारू मिलती है, सब बालक छोटे छोटे पी रहे हैं, हमारे यहाँ खेत है, यहाँ टोरी हम आ ना सके, समय से आगे पीछे भी खुलता, 10 बजे से पहले खुल जाता, 10 बजे नहीं भैया, यहाँ घर में खेतन पे दल नहीं, लॉकडाउन में बंद ना रही हो बिल्कुल। देखो 50 ठेका है गए, या ठेका थे हमारे गाँव में, खेतन पे दल नहीं, लॉकडाउन में घर जाके दल लिए जी। समस्या है हमारे यहाँ ठेका बंद है, जाए मतलब हमारी बहन बेटी आमते जामते पड़वे को जामते तो बदतमीजी से बात करते हैं, और चाहे दिन ने करे थे ठेका खुल जाए, तो दिन ठेका नहीं खुले तो भी दारू मिलती है यहाँ,
दिन करे सुबह से पीते हैं। खुलने का समय होता है 10 बजे नहीं, समय से पहले घर जाए क्यों मिलते हैं और यहाँ वैसे ही मिलते हैं, दुबक्की नहीं मिलते कभी भी ले लो। हाँ, दिन करे थे पीमते मांस और दिन करे थे बदतमीजी से बात करते हैं, छोटे लड़की है बिनते बदतमीजी से बात करते हैं, कोई कछु कहें तो कोई कछु कहें तो है, और हम वैसे ही अनपढ़ भैया रहे यहाँ गाँव है। हमारी मांग ये ठेका बंद होना चाहिए, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं और मांस भेज रहे हैं के काम करवे जाओ, खेतों पे पानी को डीजल को भेज रहे हैं और पी के नहीं और घर में कले सह रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं लड़कियों से बदतमीजी से बोलते हैं, और जी बताओ का छोई पढ़वे नहीं जाए, अरे तुम बढ़िया काम खुलवाओ यांटिया बालक करें भैयरी करें कोई पढ़वे खुलवाओ, आई भी छोरी बहुत दूर जामते पढ़वे का जा डरते जाए ना रही कौन। अरे ये 10 छोटे छोटे बच्चा पी रहे हैं, अब छोटे छोटे तो नहीं जाएंगे हम, आगे के अपनी आगे की पीढ़ी को तो बचाना चाहते हैं, बताओ आज हमारे पति पी रहे हैं कल हमारे बच्चे पियेंगे, तो ये तो छोटे छोटे तो बच जाएंगे, अब कहते हैं कि खेत पे जा रहे हैं और चलो यहाँ पी आए। ये कौन सा गाँव है? हीरामन नगर। क्या समस्या थी यहाँ? यहाँ समस्या है भैया जब ठेका की, जब ठेका खुले थे सब गाँव को नाश है, भैया बिल्कुल ऐसे कर दी आदमी ने तबा का ठेका है दारू का। इससे क्या समस्या चल रही है? इससे समस्या चल रही है कि आदमी दारू पी रहे हैं, बच्चा दारू पी रहे हैं और सब घर कूड़े सब बेच बेच के खा रहे हैं, भैया नहीं मारपीट कर रहे हैं। कितनी किलोमीटर है ये? कितनी होगा शायद 1-2 किलोमीटर होगा। तो बहुत दूर है ना, क्या समस्या आ रही है? समस्या आ रही है यहाँ खेत है काम करवे आ रहे हैं, 1-1.5 किलोमीटर होगा ज्यादा। क्या हुआ था कल, क्या घटना में क्या हुआ? कल घटना में हुआ साहब, बाहर ठेका बारे ने चैलेंज दियो, हमने जो कही ठेका बंद करांगे यहाँ से ठेका उठाओ, बानी जी चैलेंज दियो के बाकी माँ बहन चो दू कोई ठेका बंद करा दे, हमने जो समय आया कि ठेका में आतंक मचाया की बात बता रहे। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, पुलिस पुलिस आ गई है। कल ये ताला भी तोड़ा है, ताला किसने तोड़ा था? ताला फाला किया ना पता कौन तोड़ा, लूट लिखाई है बिन्ने ठेका बारे ने, हमने कोई लूट पाट नहीं करी, हमने तो वैसे नुकसान करा है थोड़ा सा। अधिकारी कौन कौन आए? कोई नहीं है, जाइए पुलिस वाली 4-5 आदमी। आज क्या बात है? आज जी बात है, हम ठेका बंद कराना चाहते हैं। अच्छा, देखला भी कोई अधिकारी नहीं पहुंचा? कोई नहीं पहुंचा, कोई सुनवाई लिखित में पहले कोई शिकायत दी? कोई ना दी है, अब भैया गमार भैया रे, हम यही शिकायत कर रहे हैं, कोई ना दी। आज कोई लिखित में शिकायत? आज अब दंगे जो मांगेंगे तो अब दंगे। अच्छा, कौन आ रहा हूँ? मामला क्या था? मामला ये भैया के हम दारू आ जानते बहुत परेशान है। सर अपना परिचय दें। मैं नीरज कुमार द्विवेदी, जिला आबकारी अधिकारी आगरा। सर यहाँ जो समस्या है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब समस्या, मैं पिछले 1.5 साल से यहाँ पर पोस्ट हूँ और ये दुकान 2019 में खुली है, 4 साल से दुकान चल रही है, अभी तक हमारे कार्यकाल में कभी भी इस दुकान को लेकर के किसी भी ग्रामवासी ने या किसी भी व्यक्ति ने किसी प्रकार की शिकायत नहीं किया कि यहाँ समय से पहले खुलती है बाद में खुलती है या यहाँ पर कोई बिक्री को लेकर किसी कोई दिक्कत हो, ऐसी कोई सूचना हमको प्राप्त नहीं हुई। कल एकाएक जो घटना घटित हुई उस घटना में कथित रूप से महिलाओं ने ये कि सासे का विरोध किया कि यहाँ पर उनके घर के लड़के या उनके पति लोग शराब पी करके घर में अशांति फैलाते हैं, लेकिन अफसोसजनक बात यह है कि दिन दहाड़े दुकान का ताला तोड़ करके लाइसेंसियों को सेल्समैन को धमकाया जाना और उन्हीं महिलाओं के सामने खड़े होकर के पुरुषों ने 2-2, 4-4 बोतल लूट करके इस दुकान से लेकर के गए, पूरा कैश लूट लिए, पूरी शराब लूट लिए और जो भी इसके अंदर पीओएस मशीन थी जिससे स्कैन करके शराब बेची जाती थी वो सारा कुछ उठा ले गए, डीवीआर और उसका कैमरा भी खोल कर ले गए। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि विरोध की मंशा के आड़ में खुलेआम दुकान पर डकैती और लूट की घटना की गई है। क्या सुझाव देना चाहेंगे फिर? मैं देखिए, शराब पीना सामाजिक रूप से बुराई है, मैं इसका विरोध अगर करती हैं महिलाएं तो वाकई में उनके परिवार में परेशानी है तब उस समस्या से उनके साथ हूँ, लेकिन विरोध करने का जो तरीका था वो लोकतांत्रिक नहीं था, वो अराजक था। अराजकता और कानून को हाथ में लेना किसी के लिए उचित नहीं होता है। विरोध का एक नियमता है, जो विभाग मैं विभाग का जनपदीय स्तर का अधिकारी हूँ, हमसे आज तक किसी ने, ग्राम प्रधान ने, किसी भी संभ्रांत व्यक्ति ने या किसी आम व्यक्ति ने आज तक कोई शिकायत नहीं किया। सीधे आप किसी व्यवस्था को चुनौती दे करके लूटपाट करना ये उचित नहीं है। मैं अभी 31 मार्च तक, क्योंकि ये वित्तीय वर्ष संचालित है और दुकान में बहुत सारा रेवेन्यू है, अगर एक महीने का कोटा रही उठता तो लगभग 25-30 लाख रुपए लाइसेंसी के ऊपर बकाया पड़ेगा, जो कि स्वयं में निर्दोष है। दुकान अगर पिछले 4 साल से चल रही है तो जिस लाइसेंसी ने लेकर के दुकान चलाया, आप खुद देख सकते हैं यहाँ से जो रेवेन्यू विलेज है नगला हीरामन, उसकी दूरी लगभग 2 किलोमीटर है।
दो किलोमीटर गांव की आबादी से दूर निर्जन स्थान पर लाइसेंसी ने जोखिम लेकर के खेत में दुकान बनवा करके अगर दुकान का संचालन किया है तो सरकार के राजस्व हित में यही किया है। और अभी तक कोई शिकायत न आना, एकाएक ऐसी शिकायत का हो जाना, लोगों का उग्र हो जाना और खड़े होकर महिलाओं ने अपनी महिलाओं के आड़ में संरक्षण मुश्किल लूटपाट कराना, ये कतई नियम संगत नहीं है। मैं अपेक्षा करता हूँ शासन प्रशासन इस पर इन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करे। दुकान हटना है और चित्तपूर्ण स्थान पर देख करके उसके आगे कार्रवाई की जाएगी। 31 मार्च के बाद देखा जाएगा। महिलाओं ने ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन पर जानकारी जांच में बैठेगी। महिलाओं ने जो ज्ञापन दिया है उस पर सम्यक विचार किया जाएगा, शासन प्रशासन उसके बारे में बात की जाएगी। लैंड ऑर्डर के इश्यू को देखते हुए यदि कोई स्थान उपयुक्त मिलेगा दुकान का स्थानांतरण किया जाएगा।